और साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, आज सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि भाई ये जो मैं जितने वीडियो विदेश से रिलेटेड आपको इंक्वायरी के लिए डालता हूं, उससे कहीं ज़्यादा मुझे ये लगता है कि आपको कानूनन इंक्वायरी भी आपकी नॉलेज में होना ज़रूरी है। आदमी का कोई पता नहीं लगता भाई, कौन सी जानकारी, कौन सा नॉलेज आपको कहाँ पे काम आ जाए। तो आज हम बात करेंगे साथियों, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है, मान लीजिए कोई आपके खिलाफ शिकायत दी है, या और भी बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं, कई बार पुलिस बिना शिकायत के भी गिरफ्तार कर लेती है। अगर गिरफ्तारी पर आपके अधिकार, अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करना चाहती है, कर रही है, तो आपके क्या अधिकार है जिससे आपको कुछ बेनिफिट मिल सके, जिससे नॉलेज हो सके, जिससे आप पुलिस प्रताड़ना के शोषण होने से आप बच सकें। ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। वीडियो पूरा देखिए, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हर रोज इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए। आज हम बात करेंगे साथियों, गिरफ्तारी पर आपके अधिकार। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है किसी भी रीज़न के कारण, या कोई भी बिना रीज़न के भी, कई बार पुलिस शक के आधार पर बंदे को उठा लेती है, क्योंकि पुलिस तो पूरा का पूरा राठौड़ी में चलता है भाई। क्योंकि पुलिस का एक सिस्टम ऐसा है कि 99% लोगों को इसकी कानूनी कार्रवाई का पता नहीं होता। हर एक पेज के पीछे बहुत सारे पेज होते हैं, क्योंकि उसमें लिखा होता है आप ये नहीं कर सकते, आप कंडीशन के आधार पर कर भी सकते हो। तो उस कर भी सकते हो को पुलिस हथियार बना के उसको यूज लेती है। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है, तो आपका पहला, आपका मैं 6-7 पॉइंट पे बात करूंगा। पहला पॉइंट आपके पास आता है, आप कारण पुलिस से पूछ सकते हैं गिरफ्तार होने से पहले कि मेरा दोष क्या है, मैंने क्या किया है, मेरा गिरफ्तारी आप क्यों कर रहे हो, इसका रीज़न बताइए। तो पुलिस को आपको रीज़न बताना होगा कि इस वजह से हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। ठीक है साथियों, आगे हम बात करेंगे अरेस्ट मेमो। अगर आपको मान लीजिए पुलिस अरेस्ट कर रही है किसी भी रीज़न में, तो हक ये बनता है, पुलिस की जिम्मेदारी ये होती है इंडियन लॉ के हिसाब से, कि आपको वहीं पर एक मेमो होता है, एक फॉर्म होता है, उसमें पूरे सिस्टम बताया जाता है, इस आदमी ने गिरफ्तार किया, जैसे कांस्टेबल, ASI, SI जो भी होता है, जो अधिकारी होता है, कौन सी जगह का नाम, किस रीज़न से, कौन सी डेट, ये सब कुछ उसमें लिखित में होता है, उसको बोलते हैं अरेस्ट मेमो। उसमें सब कुछ लिखित में होता है, इसमें रीज़न वगैरह दिया होता है कि कौन सी जगह से, कहाँ से गिरफ्तार कर रहे हैं, कौन से थाने की पुलिस आई है, कहाँ पे लेके जाएगी। नंबर पॉइंट पे हम बात करेंगे साथियों, पुलिस मान लीजिए आपको गिरफ्तार करके थाने में ले गई, और वो आपसे कुछ इंक्वायरी लेना चाह रही है, आपसे पूछताछ करना चाह रही है, तो आपका ये राइट बनता है, आप पुलिस से बोल सकते हैं कि भाई मुझे मेरा वकील से मिलवाओ, मेरा वकील की इंक्वायरी मुझे ज़रूरत है, मैं मेरे वकील के सामने ही आपको आंसर दूंगा। तो ये आपका राइट बनता है सेक्शन 41 CRPC D में। ठीक है साथियों, तो इसमें आपको करना क्या होगा, इसमें बहुत सारे लॉजिक यही आता है, ये चौथा नंबर जो पॉइंट है ना, इसमें बहुत बड़ा झोल होता है। पुलिस आपको ज़बरदस्ती मारपीट करके कुछ उगलवाना चाहती है, कई बार ज़बरदस्ती झूठ बोलना पड़ता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो आप उनको बोल सकते हो कि मैं मेरे वकील के सामने आपको आंसर दूंगा, मैं मेरे वकील से मिलना चाहता हूँ। पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपके घर पे किसी को सूचना करें। 5-4 नंबर पॉइंट पे बात करूंगा, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है गिरफ्तार होने के 12 घंटे का इसमें टाइम होता है सिस्टम के अकॉर्डिंग, का इंडियन लॉ के हिसाब से, कि 12 घंटे में पुलिस ने मान लीजिए आपको गिरफ्तार किया या उठाया कहीं से भी, तो वो आपके घर पे सूचना देगी दोस्त को, रिश्तेदार, या आपके परिवार फैमिली को, या फिर आपके जो भी वकील होते हैं आपके द्वारा, उनको सूचना देगी कि भाई आपका लड़का इस वजह से यहाँ पे गिरफ्तार, इस थाने में है, बंद है, तो आप उनसे आके मिल सकते हैं। तो ये आपका राइट बनता है, वकील के सामने आप बयान कर सकते हैं, घर पे सूचना पुलिस को देना है, पुलिस का ये जिम्मेदारी बनती है। आगे 5 नंबर पॉइंट में बात कर लेंगे, मान लीजिए कि आपको गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया। कई बार आपने देखा होगा, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, हमारे राजस्थान में भी ताजा ही घटना घटी है। इसमें क्या होता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, 90% मामलों में पुलिस राठौड़ी में बंदों को 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन तक थाने में बैठा के रख लेती है, और लोगों को नॉलेज नहीं होने की वजह से पता भी नहीं लगता कि यार अपना होने वाला क्या है। पुलिस शक के आधार पे उठा लिया, लॉकअप में नहीं रखती, कई बार बाहर रख लेती है, कई बार दूसरी जगह बंदे को रख देती है, टॉर्चर करना, उनको उनसे कुछ उगलवाना, ज़बरदस्ती करना वगैरह, पुलिस कई बार दबाव में आके भी उनसे कुछ झूठ मूठ में सिग्नेचर करवाना, बहुत सारे रीज़न होते हैं। जबकि इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग आपको 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या न्यायालय में आपको उपस्थित करना पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। जी हाँ साथियों, न्यायालय में पेश करना 24 घंटे के अंदर पुलिस की जिम्मेदारी होती है। अगर सामने सैटरडे संडे भी आ रहा है, तो नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट है, जो न्यायालय अधिकारी है, उसके घर पे भी आपको पेश किया जा सकता है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान रखने की बात है। आगे अपन बात करेंगे 6 नंबर पॉइंट पे। अगर मान लीजिए आपको न्यायालय में पेश कर रहे हैं, या मजिस्ट्रेट के घर पे, मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जा रहा है, तो अगर आपका पुलिस ने मेडिकल नहीं करवाया,
तो आप मेडिकल के लिए बोल सकते हैं कि सर मेरा पुलिस ने मेडिकल नहीं करवाया। मेडिकल होने से आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। अगर पुलिस ने मारपीट की है तो वो मेडिकल में रिपोर्ट आ जाती है, तो वो आप उसमें साथ में अटैच कर सकते हैं कि पता लग जाता है कि पुलिस ने आपके साथ बर्बरता की है, अत्याचार किए हैं, ठीक है। उसके बाद में दोबारा भी मान लीजिए पुलिस आपका रिमांड लेती है तो भी उसमें मेडिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि उसमें फिर दोबारा आप न्यायालय में पेश हो गए तो, क्योंकि पहले वाले मेडिकल के लिए एकदम ओके था, दूसरे में आपके मारपीट के निशान आ रहे हैं, तो न्यायालय पूछ सकता है कि ये मारपीट के निशान क्यों, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट अगर आपके पास है तो, पुलिस ने अगर आपके करवाया तो ये मेडिकल करवाना आपको जरूरी है। अगर पुलिस आपको गिरफ्तारी करती है तो आप बोल के मेडिकल करवा सकते हैं पुलिस को या न्यायालय में, ठीक है साथियों। अब महिला की गिरफ्तारी, कई बार क्या होता है कि महिलाओं को केस में नाम जोड़ देते हैं या फिर बहुत सारे रीजन होते हैं जिससे महिला की गिरफ्तारी शाम को 7 बजे के बाद सुबह 6-7 बजे तक गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर पुलिस जाती है गिरफ्तार करने दिन में तो उसके पास साथ लेडीज कांस्टेबल होना जरूरी है, इस पर अलग से वीडियो हम बनाएंगे। तो साथियों ये 6-7 पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिया गिरफ्तारी पे आपके अधिकार, ये नॉलेज में अगर आपके रहेंगे तो खुदा न भगवान ऊपर वाला ना करें कभी आपके साथ ऐसा वाक्य हो जाता है, आपके रिश्तेदारी में ऐसा हो जाता है, तो ये पॉइंट अगर आपके माइंड में रहेंगे तो गारंटी के साथ अगर पुलिस को माइंड में ये लगता है कि सामने वाले बंदे को कानून का नॉलेज है, पुलिस या कार्रवाई का नॉलेज है, तो वो डरेंगे। इंसान बंदूक से लाठी से नहीं डरता भाई, दिमाग से डरता है, कलम से डरता है, ये बात हमेशा ध्यान रखें। तो दिमाग नॉलेज होना ज़रूरी है, इसके लिए मैं धीरे धीरे वीडियो बनाता रहूँगा, आप वीडियो को देखते रहिए। चैनल अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।